क्या आप सपने में बार बार सांपों को देखते हैं या जीवन में लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं? हो सकता है आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, नाग पंचमी आपके लिए समाधान लेकर आई है। नाग पंचमी हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है जो इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है। देवघर के ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन कुछ खास उपाय करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सारा ग्रह फंस जाता है तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वह जीवन में कभी उत्थान नहीं कर सकता है, वह उसका जीवन संघर्षमय ही रहेगा। कुछ भी कर ले, बहुत परिश्रम करे, लेकिन उसको परिश्रम के हिसाब से फल नहीं प्राप्त होता है, जीवन में भाग दौड़ लगा रहता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए नाग मंदिर में जाकर दूध से अभिषेक करें या फिर भगवान शिव के मंदिर में षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इसके साथ ही छोटा छोटा चांदी का 9 सर्प बनाकर काले कपड़े में प्रतिष्ठा करें और षोडशोपचार विधि से पूजा के बाद इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय राहु केतु के प्रभाव को समाप्त करता है और काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। जब राहु और केतु, राहु के महादशा हो, राहु का अंतरदशा हो या केतु का अंतर्दशा हो, राहु का समय आ गया हो और राहु केतु यदि अष्टम स्थान से बना रहा हो तो ऐसे जातक को यथाशीघ्र उपाय करना चाहिए। तो अब जो है, यदि काल सर्प दोष है तो उसका उपाय कब करना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त होता है। तो इस बार अभी जो सावन में नाग पंचमी है 9 अगस्त शुक्रवार को, तो यदि आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, आपका कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उस दिन आपको करना क्या है, छोटा छोटा 9 ठो नाग बनवाना है, सर्प बनाना है और काले कपड़े पर बिछा करके वेदी में रख करके उन सर्पों की प्रतिष्ठा करनी है और प्रतिष्ठा करने के बाद षोडशोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद वह चांदी का जो नाग है वह बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करके जो आप वस्त्र पहने हुए हैं वह वस्त्र भी वहीं छोड़ देना है, वस्त्र के साथ, यानी शौचाल स्नान करने के बाद उस वस्त्र को वहां छोड़ दें। अगर ये उपाय संभव नहीं हो तो तांबे का नाग बनवाकर शिव मंदिर में जाकर बिना किसी को देखे वहां रख दें, इससे भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। और आप घर आ जाएं, यदि आप चांदी का नाग प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो तांबे का नाग आप बनवा लें और किसी शंकर भगवान के मंदिर में जब मंदिर खाली हो, सुनसान हो, तो तांबे के नाग को शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के अर्पण कर दें। ध्यान रहे, अर्पण करते समय किसी का नजर आपके ऊपर नहीं पड़े। काल सर्प दोष के संकेतों में बार बार सपने में सांप देखना, जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना, विवाह में अड़चन आना और संतान प्राप्ति में कठिनाई शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो नाग पंचमी के दिन इन उपायों को अपनाएं और पाएं समस्याओं से छुटकारा। नाग पंचमी पर सही विधि से पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। तैयार हो जाइए इस नाग पंचमी पर कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।